गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, सब मज़े में होंगे। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मस्त होगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। मैं भी मस्त हूँ, बच्चे भी मस्त हैं। और आज डे है संडे, आज तारीख है 8, तो 9 और 10 को मेरा चेरी का बर्थडे है। तो चलिए देखते हैं उसके बर्थडे में क्या क्या होने वाला है। आज नहीं है, और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ दुकान में जमा रहे हैं हस्बैंड जी सामान, और मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ बाहर धूप में थोड़ी देर, क्योंकि घर में ही रहते रहते थोड़ी ठंड लगती है इनको, तो ये भी बहुत रोते हैं, परेशान करते हैं, इसीलिए मैं इनको बाहर लेके आती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ है चेरी चला रहा है गाड़ी, और किट्टू बेटा है पीछे, मतलब उसको भी कितना मज़ा आता है चेरी को भी कि हाँ भाई मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। और वो देखिए, वो छोटी वहाँ कचरा डालने गई है, तो बस मैं वही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और हमारे यहाँ कचरा हम वहाँ डालने जाते हैं रोड के उस पार, क्योंकि यहाँ कचरे गाड़ी वाली नहीं आती है। गाड़ी आती है लेकिन अंदर आती है गाँव में, हम तो हाईवे पर रहते हैं तो यहाँ तो आते ही नहीं है। तो क्या कर रहा है तू चेरी? मत आ, गंदो हो जाएगा चेरी। चेरी यहाँ मम्मी सेक रही है धूप, और ये दोनों कर रहे हैं बातें। हेलो हाँ पड़ोसी संदोस, हाय करो। हाय हाय राहुल, हाय हाय भगवान, हाय जय श्री कृष्ण। बोलता ही नहीं आवे रे, जय कृष्ण नहीं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्णा। चेरी तू भी कुछ एग्रीमेंट करना चाहता है, बोल दो। आंसू आ रहे टप टप इसके, तो क्योंकि इसको बाहर नहीं आने देते, इसलिए अब मम्मी लेके आई है तो रो रहा है मेरे ऊपर, गुस्सा कर रहा है। मम्मी लेके आई है बाहर तो अब मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तू लाती नहीं है। क्योंकि मैं तो अंदर काम करती हूँ हमेशा, मैं तो लाती नहीं हूँ, लेकिन आज मम्मी छुट्टी है तो मम्मी लेके आ गई इसको बाहर। अब ये बाहर ही बैठा रहेगा थोड़ी देर, मैं अपने करूँगी घर में काम, क्योंकि और छोटी गई है मार्केट सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह और कुछ नहीं। आप बोलोगे रोमेशा में से क्या सामान लाती है, तो सब्जियाँ लाने गई है। अब बनाएंगे खाना क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। सबसे पहले तलूंगी मैं गराड़ू जो रात को हम लेके आए थे, ये वाले 10 बज गए होंगे 10 पौने 10 बजे अभी तो टाइम में। सबसे पहले सर होगी गराड़ू, चलिए खाना हो जिसको, आ जाइए। हाँ तो ये लेके आ गई है सामान छोटी, क्या क्या लाई है? सब्जी, सब्जी कुछ थी नहीं, सब्जी नहीं थी। ब्रश किसके लाई थी? चॉकलेट चाहिए तेरे को? किसने दिलाई चॉकलेट तेरे को? और यहाँ तल रही हूँ मैं गराड़ू, जो कि मैं आपको बहुत ही बार शेयर कर चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि गराड़ू तो बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दी सर्दी में तो, और हम तो काफ़ी बार खा चुके हैं। लेकिन कल रतलाम से आ रहे थे तो थैले पर दिख गए थे, तो हस्बैंड जी मतलब पति देव जी माने ही नहीं, और इनकी सासू माँ और साली जी के लिए लेके आ गए ये गराड़ू, तो वही उनको बना के खिलाने वाले थे। लेकिन वो तो सुबह सुबह ही दुकान खोले थे, तो मैं ही बना रही हूँ गराड़ू। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनके लिए लाए, हम भी खा लेंगे, बच्चे भी हैं तो बच्चे भी मतलब खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, तो इनके लिए भी अच्छा फ़ायदेमंद ही है ये। बहुत गर्मी मतलब गर्म रहता है, तो यहाँ मैंने तल दिए हैं गराड़ू, और बस इसमें डाल देती हूँ मसाला नींबू। और इस बार है ना मसाला थोड़ा सा फीका है, पता नहीं कैसा मतलब अजीब सा लग रहा है, तो चलिए बुला लेते हैं हस्बैंड जी को, वरना फिर आप बाद में बोलोगे कि अकेले अकेले खाते हो, पति देव को तो लेते ही नहीं हो, मतलब बुलाते ही नहीं हो, तो वही मैं इनको बुला रही हूँ अभी। तो चलिए खा लेते हैं अभी। शांति पहला ही आई गया, चलो बाहर के अंदर तेज बुलबुला। हाँ अभी लांग आने तो ये खाओ, पर खाई तो बाहर तुम्हारे घूम रहा, खत्म हो गया, ये खाओ पहला, मैं मोह देते खाई लो, नहीं तो फिर है नहीं मन कहेगा कि अकेले अकेले खा रहे, जीजू को तो खिलाया नहीं। एक गिट मत कर,
खाई दो आई बोलो हां खबर नहीं मेरे बारे हां यूं नहीं भागी जाए अपना ने फिका लागी अपना चरका लागी रही नमक डाल दो नमक डाल दे ये मसाला हो कोनी इधर लेना आया हम कसो मेन गराडो का मसाला हो रे मैं कह दूं मेरो हां राजा और अभी खाना वाना तो बनानी है, टाइम हो गया है 12 बजे और मैं तो यहाँ सोई हूँ क्योंकि कमर इतनी दर्द हो रही है। तो ये हो रही है सेवा, मतलब मासी कर रही है भाणेजो की सेवा। मेरी टेंशन फ्री हो गई अभी 2-3 दिन के लिए, जब तक ये है तब तक मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। और अभी तो गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 2 दिन हो गए मुझे खाते खाते। कल भी मैंने खाई थी गोलियाँ, आज भी मैंने खाई है, लेकिन अभी तक तो फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा वीडियो नहीं बनाएगी, वीडियो नहीं बनाएगी। ये रोटी बना रही है अभी दिन के टाइम, क्योंकि वो खाए थे हमने, क्या खाए थे, गराड़ू। तो अब भूख लग रही है और अब बज रही है 1:30 कि तू यहाँ सोया पड़ा है उसके। और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली है यूट्यूब चैनल पर, तो वो 4,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 क्रॉस कर गई और उससे मुझे इतने सब्सक्राइबर मिले, 7-8 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं इतनी खुशी हो गई कि मैंने चोटी नहीं करी एकदम से, मतलब हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है। और ये बना रही है खाना, अभी छोटी मेरी हेल्प कर रही है, कमर में दर्द हो रहा है ना तो मैं सो रही थी। तो उसके बाद अभी मैंने कपड़े धोए, अब मैं जाऊँगी कपड़े डालने के लिए। मम्मी यहाँ बैठी टीवी देख रही है बस, क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा है, यहाँ गांव में रहने वाले का मन नहीं लगता है ना, है ना, मन तो कहीं रह गया, ठंड नहीं उड़े थे, हाँ ठंड नहीं जा रही इसकी। छत पे चल जा, चल छत पे चल। धूप लेने के लिए ऊपर जा रही है मम्मी, और तू खाना बना लेना फिर हमको बना लेना, क्योंकि भूख लग रही है, रोटी खानी है, गराड़ू खाने से पेट नहीं भरा था। तो चलिए ऊपर थोड़ी सी अब ले लेते हैं धूप, मैं कपड़े भी डाल देती हूँ मशीन में, सुबह से ही डाल रखी, वो भी निकाल देती हूँ, तो मैंने हाथ से धोए हैं वो भी सुखाने के लिए डाल देती हूँ। देखिए इतने सारे मैंने हाथ से धोए हैं। और अब आ गए हैं हम ऊपर, मम्मी को भी मतलब नीचे ऐसे ठंडी लग रही थी, तो बस वही हमें इसको बोल रही हूँ कि चलो धूप में चलते हैं ऊपर। तो यहाँ मैंने हाथ से धोए थे कपड़े जो मैंने कल से गला रखे थे, कल मैं धो नहीं पाई थी, कल मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था। तो मम्मी मतलब साथी मेरी मदद कर रही है, और वहाँ क्या है गाँव में धूप आ जाती है तो घर से बाहर निकल के बैठ सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ मम्मी को ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। तो अभी वो बैठी है धूप में, और यहाँ मैं कर लेती हूँ चोटी। और किट्टू सोया था लेकिन उठ के अचानक से आ गया, और सविता बना रही है खाना, क्योंकि सर्दी है ना तो दिन में भूख लग गई वापस से, वो तो गराड़ू तो हमने सुबह सुबह ही खाया था आपके सामने, और अब तो दिन का टाइम हो गया तो भूख लगने आई है। और ये देखिए यहाँ पर गर्मियों के आनंद लिए जा रहे हैं, मतलब गर्म धूप में बैठ के आनंद लिए जा रहे हैं। और देखो हमारे मतलब मजे पार्टी समझ लो आप, धूप में धूप पार्टी धूप पार्टी कहाँ चलना है, नीचे चलना है, यही बैठना है, इसको तो यही अच्छा लगता है, नीचे जाने का नाम ही ले रहा है, धूप लग रही है यहाँ आके तो अच्छा ठंडी लग रही है इसको, यही बैठा है और इसको भी यही। अरे दरवाजा मत लगा रे चंगू, धूप नहीं आएगी फिर अंदर, दरवाजा खोलो किटो, दरवाजा खोल दो बेटा, हाँ ये लगा देंगे, नाड़ा भी लग रहा तेरा, नाड़ा नाड़ा अब भूख लगी, अब खाना खाएंगे। यहाँ मशीन में कपड़े तो लाइट जा रही है ना आ रही है, तो अभी तक धुले भी नहीं है। वैसे आज मैंने इनका स्वेटर डाला है ताकि साफ हो जाएगा। चलो नीचे कल खाने की नहीं है चेरी, ये तेरे खेलने के लिए लाई मैं कल, देख क्या हालत कर दी तूने, चलेगी ये बोल, खाने की नहीं है इसको बाहर निकाल। तो जी चलिए अब खा लेते हैं दिन का खाना, आपको भी खाना है तो आ जाइए। और आज तो हमने ऐसे ही मस्ती मजाक में दिन खो दिया है, लेकिन कल से होगी हमारी पैकिंग बर्थडे की सारी चीज़ें, मतलब कहाँ कैसे क्या करना है। और परसों हमारे चेरी का बर्थडे है,
तो चलिए इस व्लॉग को यहीं करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और यहाँ मम्मी खाने के लिए बोल रही, आप सबको बुला रही थी लेकिन मैंने ही खा लिया मम्मी के हाथ से कबा, सॉरी।